तो आज हम जिस वीडियो पे रैक करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स टू गेट आउट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड फेयर की वीडियो, भाई साहब डिप्लोमेट को निकाल दिया गया है। देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्शन पर देंगे। कौन ऑन करते हैं टेलीकॉल वीडियो स्टार। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने कनाडा को ये कहा है कि 41 अपने जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं जो दिल्ली के कनेडियन हाई कमीशन में हैं, इन्हें वापस कनाडा में ले जाओ, गेट आउट ऑफ हेयर। नाउ अगेन ये रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियली अभी तक इस पर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, मगर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया कनाडा टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। न्यू दिल्ली टेल्स ओटावा, ओटावा कैपिटल है कनाडा की, कई लोग सोचते हैं कि मॉन्ट्रियल है या कुछ और है, नहीं, इट इज ओटावा। ओटावा टू विड्रॉ 41 डिप्लोमैट्स बाय अक्टूबर 10, इसी महीने की 10 तारीख तक कनाडा को ये कह दिया है कि अपने 40 से ऊपर डिप्लोमैट्स इंडिया से बाहर निकालो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इनकी जो लीगल इम्यूनिटी है ये छीन ली जाएगी। लीगल इम्यूनिटी आपको बता होगा, जो ये राजदूत होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, इनको एक लीगल इम्यूनिटी मिलती है। तो मान लीजिए कल को, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं, आप यूपीएससी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल करते हैं, आप आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं और आप बन जाते हो एक इंडियन डिप्लोमैट जापान में या पोलैंड में या किसी और देश में, तो एज ए डिप्लोमैट, एक राजदूत के तौर पे आपको डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी मिलती है, मतलब कि आपको जेल नहीं किया जाएगा, आपको अलग से ट्रीटमेंट मिलता है, आपको बहुत सी चीजों में प्रोटेक्शन मिलती है, इट इज ऑलमोस्ट ए डिफरेंट लॉ फॉर यू। तो जो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है ना, ये इंडिया ने कहा है कि आपसे हम छीन लेंगे अगर आपके ये डिप्लोमैट इंडिया से बाहर नहीं गए। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने ये सब क्यों कहा है, और इंडिया के अलावा देखो कनाडा आज के समय हैवी प्रेशर फेस कर रहा है, ना सिर्फ कनाडा, एक्चुअली स्पेसिफिकली मुझे कहना चाहिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार हैवी प्रेशर फेस कर रही है, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम इलॉन मस्क। यहाँ पे आप देख पाओगे x.com, ट्विटर, जो आपको कहना आप कह लीजिए, इसके जो मेन ओनर है आज के समय इलॉन मस्क, इन्होंने ये लिखा है कि जस्टिन ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा, इट इज शेमफुल। तो ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों दुनिया के बड़े जो बिलियनियर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं कनाडा में ये शेमफुल है। तो बहुत कुछ यहां पर आपको जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के हिसाब से भारत की रैंक क्या है? ये है यहां पे आपकी ऑप्शंस, 40th, 71st, 81st या फिर 89th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने ये सब क्यों कहा है कनाडा को, हम क्यों चाहते हैं कि कनाडा अपने जो डिप्लोमेट्स हैं भारत में इन्हें वापस कनाडा लेके जाए। वेल नाउ पहली बात तो हम ये नहीं कह रहे कि सारे कनेडियन डिप्लोमेट्स वापस जाएंगे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, ये इंडिया में रहेंगे, कई और जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी रहेंगे, मगर पिछले कुछ सालों में हमने ट्रेंड देखा था कि कनाडा का जो हाई कमीशन है भारत में, वहाँ पर कनाडा के बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट्स आ गए थे, जितनी इनको आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा डिप्लोमेट्स इनके इंडिया में कर रहे थे ऑपरेट। तो इंडिया ने कनाडा को सिंपली ये कहा है कि हम लोग ओटावा, जो आपकी कैपिटल है, जितने डिप्लोमेट्स हम लोग रखते हैं ओटावा में, उतने ही डिप्लोमेट आप रखिए नई दिल्ली में। तो इसको आप कहोगे डिप्लोमेटिक पैरिटी, एक बैलेंस करना। We have informed the Canadian government that there should be parity of strength and rank equivalence in our diplomatic presence, our mutual diplomatic presence. We think that the numbers are much higher, and those details are being worked out, and we think that hence the number there will be reduction. So yes, I presume this is pursuant to our conversation or request. हम यहाँ पर कहीं से कनाडा को ये नहीं कह रहे कि बस निकल जाओ, हम तुमसे रिलेशन नहीं बनाना चाहते। सिंपली कनाडा को ये कहा जा रहा है कि जो आपको पहले स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था कि आपके एक्स्ट्रा डिप्लोमेट भी यहाँ पर रहेंगे, हम पूछेंगे भी नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अब वो सब जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक कंट्री पे आरोप लगाते हो कि एक कंट्री ने असैसिनेशन करी है आपके नागरिक की आपकी सॉइल पर, और इतना बड़ा चढ़ा के ड्रामेटिक तरीके से अपने लोगों को ये सब आप बताते हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर कनाडा को इससे क्या लॉस होगा? देखो सीधा सीधा एक बड़ा लॉस ये होने वाला है कि कम इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में जाएंगे। मैं आपको फिर बता दूं, इंडियन स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा में, ह्यूज नंबर्स में जाते हैं कनाडा में। आप अगर कनाडा के टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देख लो ना, उसमें से 37% से भी ऊपर सिर्फ इंडिया से आते हैं। इट इज एन इनॉर्मस नंबर। अचानक से जब ये स्टूडेंट्स गायब हो जाएंगे ना, तब ये जो स्पेस है कैनेडियंस फिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे अगेन, मैं कई कैनेडियन फोरम्स देख रहा था, वहाँ पे कैनेडियंस ना जब ये न्यूज़ पढ़ रहे कि इंडिया कहता है कि जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं इनको ले जाओ, ज़्यादातर जो वहाँ पर राष्ट्रवादी कैनेडियंस हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, अपने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मत भेजना। ज़्यादातर लोग इमोशन में आकर ये कह देते हैं कि ठीक है हमें इंडियन स्टूडेंट्स भी नहीं चाहिए, कैनेडियन इकोनॉमी को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ये कहीं और से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ एक नॉलेजेबल आदमी इन लोगों को ये बात रिमाइंड कराता है, अगर इंडिया से नहीं आएंगे स्टूडेंट तो कहाँ से आएंगे? कौन सा एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे लोग आप कह लो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव करने के लिए? दुनिया में बहुत लिमिटेड कंट्रीज हैं इंडिया जैसी जहाँ पर इंग्लिश प्रॉपरली लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जो उनका स्कूलिंग सिस्टम है वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और उस कंट्री में एक बड़ी मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, जो करोड़ों रुपए खर्चने को तैयार है बाहर पढ़ने के लिए। दुनिया में ऐसे देश बड़े कम आपको मिलेंगे। आप खुद सोच कर देखो, अगर इंडिया से स्टूडेंट्स की सप्लाई नहीं आती तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे? जापान से, जहाँ पर आबादी लगातार गिर रही है, या चाइना से जहाँ पर सेम प्रॉब्लम है। चाइनीज स्टूडेंट्स बाय द वे कनाडा इतना जाते भी नहीं है, ज़्यादातर उनका फोकस रहता है US की तरफ। रशिया से रिलेशन इनके ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। अफ्रीका में कई देश हैं वहाँ पर आबादी के पास इतने पैसे हैं नहीं, करोड़ ऑफ रुपीज़ या डॉलर्स आप कह लीजिए, कि वहाँ पर कनाडा में जाके ये सब पैसा वो खर्च पाएँ। तो कहाँ से आएंगे? यूरोप में ऐसा नहीं है कि लोग इतना डेस्परेट बैठे हैं। कोई आदमी जर्मनी में रहता है वो कॉन्फिडेंट फील करता है, वो कहता है कि मेरे देश में ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे कनाडा में जाने की आवश्यकता नहीं है। सेम केस बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको मिलेगा। तो जो ये बड़ा डेफिसिट आएगा इंडियन स्टूडेंट्स के निकलने के बाद 40% का, कनेडियन इकोनॉमी इनकी यूनिवर्सिटीज़ उसको भर नहीं पाएंगे। और ऑलरेडी मैं ये बात देख रहा हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स, कई इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा के अल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं कि कनाडा ना जाकर किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए जाए, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स ऑब्वियसली यहाँ पर है। इंडिया ने ओपनली बोल रखा है कि कनाडा आप जाते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी का इशू आ सकता है, कनाडा में क्रिमिनल्स टेररिस्ट को जगह दी जाती है, इट इज़ ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। तो इंडिया की सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये सब कह दिया है, और साथ में अब डिप्लोमेट्स भी कम कर दिए हैं, तो जो इंडियंस के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग होती थी कनाडा में उसकी स्पीड में भी कटौती आएगी। तो बिल्कुल मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन स्टूडेंट्स सीधा कनाडा की इकोनॉमी में पंप कर रहे थे, ये आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला। जस्टिन ट्रूडो ने कनेडियन इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में बड़ा लॉस कर दिया है। हाँ, कई रेसिस्ट लोग आपको मिलेंगे कनाडा में, वो कहेंगे अच्छा हुआ नहीं आए, बाहर के लोग आ रहे थे, हमारा देश बच गया। बट जब इनको रियलाइज होगा कि ऑल्टरनेटिव क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स अगर नहीं तो फिर कहाँ से आएंगे स्टूडेंट्स, तब आप देखोगे इन्फ्लेशन जब यहाँ पर बढ़ेगी, मैन पावर की कमी आएगी, दे विल फील द पेन। नाउ एक तरफ तो हमने यहाँ पर बात कर ली है मैसिव इकोनॉमिक लॉस की, दूसरी तरफ ना जस्टिन ट्रूडो की आलोचना इलॉन मस्क जैसे लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कनाडा में फ्री स्पीच जेन्युइनली खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इलॉन मस्क ये कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने बेसिकली क्या किया है, अपनी सरकार को ये कहा है कि जो भी हमारे देश में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉडकास्ट या फिर कोई और सर्विस होती है, उन्हें सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा, जो वो बोलेंगे जो उनके मुंह से निकलेगा वहाँ पे काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो फ्री स्पीच बेसिकली ख़त्म है। ये इंडिया में हो रहा होता ना, जस्टिन ट्रूडो ओपनली इंडिया की आलोचना करते। तो अगेन देखिए, कनाडा के लिए ये अनफॉर्चुनेट है कि इनका लीडर इस वक्त ऐसा है जो बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस ख़राब कर रहा है, कनाडा की जो इमेज है ये ख़राब कर रहा है। ओवरऑल एज ए कंट्री कनाडा इज़ ब्यूटीफुल, लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, जैसे दुनिया में और जगह होते हैं मोस्ट पीपल आर नाइस, मगर अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे लीडरशिप है ना वो इस कंट्री का बहुत ही डीप नुकसान करने वाली है, जो कई डेकेड्स तक महसूस किया जाएगा। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 40th इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे
इंडिया रिटेन्स इट्स 40th पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ये काफी हद तक न्यूज में है, मेक श्योर टू रिमेम्बर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अन अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अन अकेडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. जी वीडियो खत्म हो गया भाई। मुझे तो पहली दफा पता चला कि इतने ज्यादा, मतलब पहले जितने डिप्लोमेट्स होते हैं उनसे ज्यादा 41 ऊपर रखे हुए थे भाई। इन्होंने तो ऐसे रखे जिसे कोई फ्री का खाना मिलता हो इनको, है ना। लेकिन हालात खराब होने से पहले इन्होंने तो आवाज नहीं ना उठाई इसके मुतल्लिक, ये भी आवाजें तो अब भी उठ रही हैं। मामला एकदम उठा है तो बातें निकलने शुरू होंगे भाई। पहले तो ऐसी कोई खबर निकल कर कहते हैं ना कि जिससे इश्यू नहीं था ऐसा, नहीं उनकी पहले से ही कैनेडा वालों कोई प्लानिंग थी, इसलिए डिप्लोमेट्स देखे ना इतने ज्यादा रखने की क्या जरूरत थी। पहले ऑलरेडी एक हाई कमिश्नर में एक हाई कमिश्नर होता है और 10-12 डिप्लोमेट आपके पास ऑलरेडी होते हैं, लेकिन उनको 40 टोटल को तो निकालने की धमकी नहीं ना दी गई। बराबरी का निकालेंगे तो फिर तो और मसला खराब। इतने उनके बराबर के रखो भाई, जितने आपके हमारे पास है उतने रखो। जी बिल्कुल, जितने इंडिया के बाहर है ओटावा में जो उनका कैपिटल है। असल में अब भाई ये जो चल रहा है ना, ये सारी थी सियासत, उसको सियासत का लालच था भाई, अपनी सीटों का अपनी कुर्सी का भाई। इलेक्शन इधर भी इलेक्शन उधर भी इलेक्शन, इधर उधर भी इलेक्शन, जो भाई अपने लालच में अपनी कुर्सी बचाने के लिए ना कई कुर्बानियां दे रहे हैं। इलेक्शन भी है ये खूब, लेकिन ये देखो ना इल्जाम लगाया गया इंडिया पर तो उसको प्रूव भी करते ना, जब उनके पास कोई सबूत ही नहीं है तो इनकी छवि खराब कर रहे हैं, ये भी तो है ना बात। ऐसे ही असेंबली के अंदर बोलेंगे भाई, एक वक्त होता सबूत देने का भी, असेंबली के अंदर खड़े होके इतनी बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी कंट्री को इल्जाम लगाया तो अगर बिना सबूत के उसने नहीं लाज बोले, 20-25 के बाद कुछ ना कुछ जरूर सबूत होंगे, लेकिन वक्त पे वो जरूर बताएंगे। अगर ऐसे ही वो दिखा देते अभी पहले दिन ही बोल देते तो बार बार खत्म हो जानी थी, खत्म हो जाए। इसके पीछे ये भी तो कहा ना, ये सब कुछ ISI ने किया हुआ है, पाकिस्तान ने किया हुआ है, देखिए ना। उन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया, मतलब उन्होंने अपने गल से उतार के पाकिस्तान पे लगा दिया। इंडिया कह रहा है, इंडिया कह रहा है, सारा अरब कह रहा है, सबूत भी दिखा दो, कहता ये तो है झूठ, ये तो उन्होंने झूठ का पलंदा बनाया। पाकिस्तान की एजेंसी जो है वो सारा कुछ करवा रही है, ये इंडिया ने साबित कर दी है। और अच्छा, जो हमारे मुल्क में धमाका हुआ है बलोचिस्तान आगू में, वो हमारी एजेंसी वालों ने बोला कि ये कराया राव ने। अब इंडिया वाले पता क्या कह रहे हैं, एक बड़े वो कह रहे हैं हम कभी किसी का नुकसान चाहते ही नहीं, हम तो दूर से खड़े हुए हैं, इंडिया का भी नुकसान चाहते ही नहीं। पाकिस्तान भाई एजेंसी में दोनों एजेंसियां जब भी मौका मिले वो कभी मिस नहीं करती। हमारा हो तो इंडिया कहता है हकीकत है, अगर इंडिया के कर्ज है तो वो कहते हैं हमने कभी की ही नहीं, पाकिस्तान इल्जाम लगा रहे हैं। अब हमें तो साबित कर रहा है, कनाडा के ऊपर जोर लगाएगा जिसने इल्जाम लगाया है, आप साबित करें पाकिस्तान एजेंसी को छोड़े ना, पाकिस्तान तो नहीं उधर गया, साबित करें कनाडा को, कहे कि आप साबित करें किसने किया है, हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया सबूत आपने देना, पाकिस्तान ने नहीं देना। इंडिया क्यों ब्लेम लगाता है कि पाकिस्तान की एजेंसी मतलब, लेकिन वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप कॉर्पोरेट करें उसमें तहकीक करने में, कहते नहीं नहीं। अच्छा इंडिया के हाई कमिश्नर को यूके के अंदर वो भी पाकिस्तान एजेंसी ने रोका था, वो एजेंसी वाले थे, मुझे बताओ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मंदिर गिराए गए वो भी एजेंसी वाले दे रहे थे, तो नहीं इतना। इंग्लैंड के अंदर परचम की बेअदबी की गई, इंग्लैंड इंडिया के परचम किया था, कश्मीर पाकिस्तान की एजेंसी थी भाई। इसीलिए पाकिस्तान को बदनाम करना छोड़े, पहले अपना सबूत ढूंढे,
जस्टिन ट्रूडो से पूछिए हमें सबूत दो, हमारे ऊपर इतना बढ़ रहा इल्जाम क्यों लगाया है भाई? चीख चीख कर तो कह रहे हैं कोई नहीं तो कह रहे, जितना चीख के पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं एजेंसी पे इतना उधर चीखे, क्योंकि पाकिस्तान पे जोर ना लगा। पाकिस्तान तो इसमें कहां से मुलव्वस हो, अब उनके डिप्लोमेट निकाल रहे हैं, उनका वीजा बंद कर दिया, उधर जाने से बंद कर दिया, और कितना चीखे फिर उनको गोली मार दे जाके फिर इंडियन उधर जा रहे थे, आप खुद ही सोचिए वो पैसे कहाँ भेज रहे थे, इंडिया में नहीं भेज रहे थे, तो फायदा किसको हो रहा था, वो कह रहे थे वो तीन लाख वो कमाई करने थोड़ी जाते हैं भाई, वो तो तालीम हासिल करने जाते हैं। आपकी लेकिन बाकी दुनिया में भी 6.5 अरब आबादी है, ठीक है, दूसरी दुनिया में भी लोग हैं, बाहर से दूसरे कंट्री से भी मंगवा सकते हैं, वो कह रहे हैं जी बाकी दुनिया में लोग ही कोई नहीं, पाकिस्तान का नाम ले रहे क्या, पाकिस्तान में कैनेडा में दो पद बहुत कम तादाद होगी, कंपेयर कर रहे थे भाई, कंपेयर बहुत कम होगी दुनिया में, आप देख ले वो भाई दुनिया से ज्यादा है। आप कैसे लफ्ज बोल रहे हैं कि कमाई के लिहाज से, चलो स्टूडेंट कमाई के लिहाज से, अगर स्टूडेंट उधर जाके कुछ तालीम मुकम्मल कर लेता है, वो जैसे अमेरिका में सीईओ बड़े इंडिया से गए थे ना, इसी तरह कनाडा में जाके वो उधर के सीईओ या को मिनिस्टर या कुछ बन जाते हैं, क्या वो उधर बन जाएंगे? क्या नौकरी कौन देगा? इंडिया देखे कनाडा देगा? कमाई कौन देगा? इंडिया देखे कनाडा देगा? भाई के ये बोल दे रहा हूँ मुझसे कि ये कमाई करने नहीं गए, जो इंडियन कमाई कर रहे हैं, इंडिया के कितने अदाकार वहां रहते जाके, बिल्कुल इंडिया के कितने क्रिकेटर हैं, कितने कबड्डी वाले रहते हैं उधर, इंडिया नहीं है मूवी से बॉलीवुड सारे शो इधर होते हैं, कनाडा में सबसे ज्यादा शो होते हैं जाके, इंडियन ही करते हैं शो भाई, वो आप भूल गए हो बस, आप उनके सिर्फ एक बात लेके बैठ गए, इंडिया के स्टूडेंट है, दोनों दिमाग खराब है भाई साहब, बिल्कुल मेरा तो खराब है, क्योंकि ना इंडिया वाले सच सुनना चाहते हैं ना हम सच सुनना चाहते हैं, नुकसान दोनों कंट्रीज का ही होगा। हाँ ये लव बोल ये कहना कि कनाडा का नुकसान कनाडा को दे रहे हैं, इंडिया का भी होगा भाई, इस वक्त में कनाडा को अमेरिका कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये आपकी भूल होगी, याद रख लेना, इंडिया के तलकात आज अच्छे हुए हैं, कनाडा और अमेरिका एक जीत जाने मेरा भाई, वो इकट्ठे मिलकर रखते हैं, आज इनको जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडिया की जरूरत, ये भी बात है ना, तो चाइना किसके साथ है, चाइना किसका साथ दे रहा है, किसका दे रहा है, कनाडा का साथ दे रहा है सर, चाइना आपको दुश्मन का दुश्मन, तो फिर वो तो हो गई ना भाई, वो तो हो गई ना, तो हवा देने वाले तो आएंगे, पाकिस्तान साहब भी थोड़ा बहुत टाउन करते हैं चाइनीज, वो इसीलिए करते हैं कि वो इंडिया के दुश्मन है, बिल्कुल इंडिया को अच्छा नहीं समझते, एक किस्म का पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करते हैं, अब तो उनको बहाना मिल गया एक नया, ऐसे ही वो अमेरिका को और कनाडा को सपोर्ट कर, इंडिया के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा भाई साहब, कौन अमेरिका, बड़ी कोई स्टेटमेंट आई है वहाँ, अमेरिका जितना शैतान बंदा दुनिया में नहीं है, 20-25 दिन हो गए इस मामले में, अमेरिका एक स्टेटमेंट बता, मैं दिल मेरे दिल को दुख हुआ इस बात का, कनाडा के अंदर लोगों को मारा गया, अगर क्यों अगर कोई भी कंट्री होता तो इंटरनेशनल पाबंदियां लगी नहीं थी, ठीक है बिल्कुल, ये तो वैल्यू तो है फिर इंडिया की, इस बात को तो मानो, देखे ना वैल्यू के बल बोलते पर आके दिखा रहे हैं, पाकिस्तान इस चीज पर अरबों रुपए लगा दे तो क्या उसको ऐसे छोड़ देंगे, नहीं ना आप तरीके से छोड़ेंगे तो तरीके से साथ छोड़ेंगे, ऐसे तो नहीं हो जाता, ये जो कह रहे हैं खूब कमाई होती, कमाई इतनी ज्यादा भी नहीं होती, हाँ स्टूडेंट इधर से जाते हैं, कहीं मेरे भी जाने वाले जिनसे इंडियन है भाई, मेरी बात होती रहती है, वो इंडिया से गए कनाडा, उधर उनको मिल गया परमानेंट रेजिडेंट, वो उधर ही रहेंगे कुछ हफ्ते बाद, वो अपनी फैमिली को, अच्छा मुझे ये मैं तुझे पहले ही रुक जाता है, इसलिए वो फॉरेन रेजिडेंस नहीं भेज पाते, हां वहां से पैसा तो इंडिया आता नहीं, हां कुछ लोग जो उधर सेटल हो जाते हैं, हां अगर कुछ लोग नहीं ज्यादातर वहां उधर ही रुक जाती है भाई, तो फिर ज्यादातर वो कनाडा अमेरिका में रुक जाते हैं, और आप एक बात कर रहे थे, आपको याद होगा हमने एक इंडियन भाइयों से बात की थी, वो अमेरिका अंदर स्टोर चलाता था, वो उस आज से 2 साल पहले की बात है, वो कह रहा था लाइव बात हो रही थी वीडियो, वो इंडियन भाई थे, वो कह रहा था मेरी पूरी फैमिली भी इधर है, मेरे पड़ोसी जो कम से कम 6-7 फैमिली हम इधर है, वैसे तो बहुत ज्यादा अमेरिका में इंडियन है, मेरी कल्ले की जो कमाई है, एक बंदे की कमाई, एक महीने की कमाई वो 25 लाख बनती है आपके रुपयों में, उसका मेडिकल स्टोर था जिसका फार्मेसी होती है, वो इतनी बड़ी उसने बना के रखी, 25 लाख नहीं वो को नहीं याद है, मुझे बड़ा याद है वो पाकिस्तानी रुपए में बता रहा था, इनकी उसकी जो थी 75 लाख से भी ज्यादा थी इनकम, अच्छा वो मेडिकल स्टोर जाते थे पाकिस्तानी, वो 3 फैमिली की बात कर रहा था,
तो तीनों ही अपना कारोबार करती है, इंडिया में थोड़ी ना भेज रहा है, थोड़ी आ रहा है वो उधर ही रहे, वो तो वहां पर ही है। क्या उनकी जो फैमिली बाय इधर है बैठी इधर में सारी फैमिली फोटो लेकर गए हैं भाई, तो फिर ज्यादा किस को है, जो ज्यादा किस को है, ज्यादा को है, तो इसी तरह जो कनाडा में बैठे हुए हैं क्या उनको कैनेडा निकाल देंगे भाई, इंडियन को जो बैठे कारोबार के लिए निकाले के वो वहां के ज्यादा इंडिया को कनाडा को नहीं हो रहा। फिर यार तू खुद ही बात करता, खुद ही बात करता, वो पीछे आने की मैं कहां सुनना, लेकिन इवन हमारे अपने गाँव के आप मिसाल लेने जो गए अपनी वो फैमिली बीवी के हद तक वाइफ के हद तक या बच्चों को बुलाते हैं ठीक है, बाकी उनके जो भाई होते हैं वो इधर रहते हैं, वो इनको इधर भेजते हैं पैसे की नहीं भेजते। देखें यार हमारे पास हजारों मिसाल है यार, हमारे गांव के अंदर मिसाल है भाई साहब, मोस्टली जो है ना वो जो परमानेंट रेजिडेंट है तो कभी ना कभी वो आज 10 साल तक वो ले ही जाते हैं। अच्छा वो एक साल बाद कर रहा था 10 साल तक तो पैसे भेजते कि नहीं भेजते। अच्छा 3 लाख के ऊपर हमारे स्टूडेंट है इस तरह बोला जा रहा है, शायद ऊपर 37% से ज्यादा। अच्छा जितने भी स्टूडेंट वो कह रहे थे अगर हम उनसे वापस बुला लेंगे तो इनके बल्ले क्या रह जाएगा कनाडा के पास, क्या वो निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे यूक्रेन से निकाला था वो तो मुश्किल ही बहुत बार, इतना दिमाग नहीं थी मेरा, दिमाग नहीं थी आपका, दिमाग ठीक है यार कहते हैं निकल जो जिनकी, फिर मैं भी ये कहता हूँ कनाडा से कैसे स्टूडेंट को वापस लाए क्यों लाएंगे, एक बार भी नहीं बोला वापस लेकर आएंगे। अच्छा भाई तू इतना झूठ बोल रहा है, जिस दिन ये मापा का दिन वाक्य हुआ था उस दिन मैं खुद वीडियो हमने की हुई है, उन्होंने बोला था साढ़े भाई मजीद नहीं जाएंगे पीछे से जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है वो तो वहां पर रहेंगे, नए नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला था कि हम अगर बुला लेंगे तो कौन उधर जाएगा, नहीं तब उनकी यूनिवर्सिटी में कौन रहेगा, उन्होंने ले लिए बुला ले तो वो ही मैं कहता हूँ पैसे ले लेंगे उन्हें, तो फिर इसमें दिमाग सही ना, तो वो क्यों कहते हैं बुला लिया नहीं कनाडा के, पहले की यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी क्या, यूनिवर्सिटी नए स्टूडेंट नहीं जाएंगे ये, तो भाई आप झूठ का साथ ना दिया इंडिया के कितने एंट्रों की मैं तुझे बता देता हूँ, फिर क्या बात है यार भाई, उन्होंने इतनी बार उन्होंने खुल के बोल दिया है कि अगर हमारे स्टूडेंट निकल आएंगे कहना कि यूनिवर्सिटी में कुछ हो गई नहीं, ये इतना पैसा उधर लेके जाते हैं जिससे यूनिवर्सिटी चल रही है, क्या बात है। अच्छा इसका दिमाग से अंदाजा हो जाएगा, बिल्कुल मेरा दिमाग से अंदाजा हो जाएगा तो सच बोलेगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा ना तो मुझे इंडिया में भी वाह वाह होगी, ये खूब अच्छा बोल रहा है तारक भी क्या कहे, ये खूब अच्छा बोल रहा है भाई, मुझसे टट्टे पोछी नहीं होती, चलो टट्टे मैं तो सच बोलता हूँ जो सच है मैंने जो सुना अपने कानों से। अच्छा उन्होंने बोला है भाई, आप कहे तो मैं तुझे सबूत के तौर पर दूंगा वीडियो जिसमें बोला गया है, ओ भाई वीजे बैन किए हैं, बैन किए हैं, वीडियो तो देखता है मैं देखूंगा, इंडिया किसी को अब नहीं जाने देगा कनाडा में, मेरे से शर्त लगा इस बात पे, इसी दिनों में इंडिया में जाएंगे इंडियन जाएंगे कनाडा में, कैसे वो तू कह सकता नहीं जाएंगे, वो वीजा इंडिया ने रोक दिया जी, ये हो गया इंडिया सबसे जनाब भी जाएगा, खुद कनाडा रोकेगा ना कनाडा, तभी तभी रुकेगा, इंडिया नहीं रोक सकता, अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है कैसे रोक सकती है, वो जो अंदर के रस्ते बीच से भाग जाते हैं। अच्छा एक भाई खास में एक भाई वीडियो देख रहा था, वो इंडियन खुद कह रहे थे हमारे लड़के इंडियन पढ़े लिखे बीच के रस्ते जाते कनाडा वो कैसे चले जाते हैं, क्या जो बीच के रस्ते से जाते कनाडा उनको रोक सकेगी गवर्नमेंट, क्या पाकिस्तान यारों में पहुंचे पता लाखों की तादाद पहुंचे बीच के रस्ते से, क्या पाकिस्तान रोक सकेगा उनको, नहीं रोक, लेकिन बात जब कनाडा नहीं इंटर होने देगा ना अंदर उस वक्त रोका जाएगा, इंडिया नहीं रोक सकता, मेरा दिमाग नहीं ठीक, मेरा दिमाग नहीं ठीक है, तेरा दिमाग ज्यादा से जाते हैं, अब हर बंदा डंकी थोड़ी लगाता है, हर बंदे यार डंकी लगा रहा है, नहीं है पाकिस्तान है जिनके पास, इंडिया भी जाता है इंडिया की ऊपर कपड़ा ना जा रहा है, इंडियन भी कितने गरीब है बेचारे रो रो के इटली में स्पेन में फ्रांस में इंडियन खुदा की कसम रो रहे हैं, मेरे पास हजारों वीडियो है मैं तुझे दिखा सकता हूँ, लगा इधर वीडियो मैं दिखा सकता हूँ, पाकिस्तानी उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, अच्छा। वो कहते हैं हमें 3-3 महीने हो गए, 2-2 साल हो गए काम नहीं मिल रहा, हम गरीब थे हम भाग के इंडिया से आए, तू कहते तू हर वक्त पर्दा न जाना कर, इंडिया में आज भी खराब है मेरा दिमाग तो खराब है, आज भी इंडिया में तेरी बात मत सुनू, तू बात करता है नवाज शरीफ का बेटा डंकी लगाएगा, नवाज शरीफ का बेटा डंकी लगाएगा, क्या मोदी का बेटा डंकी लगाएगा यार, तो वही तो बात समझा रहा हूँ गधे गधे भाई,
भाई एक अमीर बंदा उसको डंकी लगाने क्या तो मैं क्या पाकिस्तान के अमीर जाते हैं, इंडिया के अमीर जाते हैं, गरीब जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं, बेरोजगारी है, गुर्बत है, वो जाते हैं। संडे कम हो जाएगी, काम हो जाएगी, जाते हैं वो कुछ हर वक्त कहते रहते हैं गुर्बत कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, इतनी बेरोजगारी गुर्बत आज भी इंडिया में, ये जितनी इकोनॉमी बढ़ी इनको खत्म कर देना चाहिए था, बेरोजगारी गुर्बत की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। 100 में से सिर्फ 5% होता था मानते, आज भी 20-30% है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी ज्यादा है, अभी भी है, बड़ी है लेकिन तू मान या ना मान आज भी बहुत ज्यादा है यार अनएम्प्लॉयमेंट। वो ही भाई वो ही लोग आज भी बीच का दुनिया का सुपर पावर कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट उधर नहीं है, हां बिल्कुल। तो फिर सबसे बड़ी पॉपुलेशन उसको नौकरी देना आसान काम है, तो फिर इमरान खान ने दावा किया था कि आसान काम था, तेरे खजाने में पैसा नहीं था, ऊपर से कोरोना भी था, ऊपर से कर्जा भी था, वो दावे कैसे पूरे कर सकता था। तू हर वीडियो में ये डाल देता है इमरान खान ने करोड़ नौकरी खोली थी, करोड़ नौकरी पैसा अपने घर से दे रहा था इमरान खान ने, अगर खजाने में पैसा होता तेरे मुल्क में इन्वेस्ट कोई करता, तेरे मुल्क का निजाम चलता होता, तेरी जरात से कुछ आमदन होती है, फिर कोई इमरान खान वहां से पूरे भी करता। तू हर वक्त वीडियो में कहते इमरान खान ने करोड़ नौकरी का वादा किया था, चार मेरे सात दिन मकानों का वादा किया था, मैं तुझे रावत बीड़ी जाना वहां लाहौर में दिखाता हूं। इंडिया के स्टूडेंट निकल गए, यूनिवर्सिटी बंद होगी, कारोबार बंद हो जाएगा, नुकसान इस तरह नहीं करना का नुकसान होगा, नहीं होगा, नहीं होगा भाई, एकदम अगर बड़ा फर्ज मर जाए तो पिछले कारोबार नहीं चला सकते। बिलियन ऑफ डॉलर जाते हैं इंडिया से, बिलियन जाते हैं, लेकिन कैनेडा भी फ्री कर नहीं लेता इनसे, तजारत होती दोनों तरफ से। किधर जाऊं भाई, चलो जी भाई अपनी राय जरूर बता, अपनी राय जरूर बता रहे को तैसा। और भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पर हमारे चैनल पर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को छोड़ के बात किया जाएगा, जस्टिन ट्रूडो की ना जो है उस तरह कुछ उस बंदे के ऊपर तो जोर लगाते नहीं जितने इल्जाम लगाया, जिसने साबित भी कर दिया है हर वक्त पाकिस्तान को आगे रखना होता है, हर वक्त पाकिस्तान को आगे रखना होता है। कितनी मरतबा बोल जब पाकिस्तान ने बोल दिया है कि बलोचिस्तान के अंदर इंडिया की रौनक रहा है, तो वो इंडिया चीख चीख के कह रहा है हमने नहीं करवाया, हम तो दुनिया में कभी पहल की नहीं कभी। भाई साहब दहशत गर्द दुनिया के सबसे ज्यादा तुम्हारे कंट्री में बैठे, नहीं हमारी कंट्री में बैठे ना, हम आए दहशत गर्द वो तेरे जैसे या इंडिया के मीडिया के जो बंदे बोलते हैं उन जैसे ही होंगे, हमारे जैसे नहीं है, हमने कभी दहशतगर्दी का साथ नहीं दिया। यूएन की रिपोर्ट क्या है, क्या हाफिज सईद जो है उसका बेटे को उठा लिया गया है, क्या जिंदा या मर गया, पाकिस्तान में कभी एक बंदे ने आवाज उठाई है, बता मुझे अब ये आवाज उठी है या मीडिया ने बोला हो या पाकिस्तान ने बोला हो, वो कौन था? अगर हम उसका साथ देते फिर हम दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वाले होते, हमने उसका साथ नहीं दिया, क्यों? हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दूसरी तरह अमन ही रहे, नसूर खत्म हो। अच्छा अभी अभी तुमने बात की हाफिज सईद, हाफिज सईद दहशत गर्द है या नहीं बोलो, दहशत गर्दी फैलाता था, तू तो कहता है यहाँ पर दहशत गर्द एक भी नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ बेटे को उठाया गया, हमने साथ तो नहीं दिया, अब हम जोर आवाज नहीं ना उठाई, इसने तो प्रॉपर फौज बनाई हुई है हाफिज सईद ने अपनी, बैठ जा, हमने उसका साथ नहीं दिया उसके बेटे का, हम तो ये कह रहे हैं अच्छा हुआ जब मर गया या जिंदा जिधर भी चला गया, अगर हम दहशत गर्दी को आवाज देने वाले होते तो हम रोड़ों पे आ जाते उसके लिए, पूरे पाकिस्तान में एक बंदा उस बंदे के लिए खड़ा नहीं हुआ। चलो जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा भुगतान भी भुगतना पड़ता है, बिल्कुल। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में थोड़ा सा ना वो ग्रिप होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा जितना जितना वो जिस तरह वो होता है छानना, उसे छान के थोड़ा थोड़ा जताता है, छान लेंगे वो छानने वाले छान ले, तुझे नजर भी आ छानना लगाना चाहिए कि थोड़ा सा ना छान के जाए, कोशिश करनी चाहिए स्लिप ऑफ टंग ना हो। तो भाई ये निजाम है भाई साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल इधर हो रहा है ऐसे ही, तो पूरी दुनिया में भी इसका गलत उपयोग हो रहा है, जिस तरह कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से वो बहुत कुछ करते हैं भाई। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।